चलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का नया टॉपिक, जिसे बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाँ, रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक डाल देते हैं, PSEUDO, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके गाइस, अब ये रिएक्शन होती क्या है पहले इस बात को समझेंगे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जैसे मैंने आपको एस्टर्स पढ़ाया है, एस्टर क्या होते हैं? एस्टर होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, और ये क्या है आपका? एक अल्कोहल CH3OH। अगर यहां से मैं OH रिमूव करूं, यहां से H रिमूव करूं, तो क्या बन जाएगा? वाटर तो साइड हो गया। अब ये जो तुम्हारा बना, ये बना CH3COOCH3, तो इसको मैं बोलूंगा मिथाइल एसिटेट। क्या बोलूंगा इसको? मिथाइल, इसको एसिटेट। तो ये कंपाउंड हुआ आपका CH3COOCH3। इसका क्या नाम हो गया? मिथाइल एसिटेट। अब सिंपल सी बात है, अगर तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया तो आपका एस्टर बना ना। तो अगर मैं एस्टर को कहीं ना कहीं वाटर डाल के हाइड्रेट करूंगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बोलो जी। तो यही काम मेरे को यहां पर करना है। क्या? कि ये रहा CH3COOCH3, इसमें मैंने क्या किया? वाटर डाला, और ये क्या बन गया आपका? CH3COOH प्लस में क्या हो गया? CH3OH। ये बात समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, अब इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? इसका रेट लॉ लिखा जाएगा रेट इज इक्वल टू किस किस की टर्म्स में। ऑब्वियस सी बात है, जो रेट लॉ लिखते हैं उसमें सारे हम रिएक्टेंट की टर्म्स लेते हैं, प्रोडक्ट की नहीं लेते। रेट लॉ लिखने का क्या तरीका है? रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है CH3COOCH3, इसकी पावर कुछ एक्स। क्योंकि रेट लॉ मुझे प्रॉपर पता है तो मेरे को एक्स की वैल्यू पता है। एक्स की वैल्यू है 1, और वाटर इसकी वैल्यू क्या है? 1। और ये जो के है वो रेट कांस्टेंट है ना, तो के को मैं के लिख सकता हूँ, कोई अदर वेरिएबल लिख सकता हूँ। तो यहां पे मैं के को क्या लिख रहा हूँ? यहाँ ध्यान दो, ये 1 है ना, क्या है ये? 1। तो इसको मैं लिख रहा हूँ डैश। क्या लिख रहा हूँ? अरे यार, के को के डैश लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब तुम सारे बच्चे जानते हो कि रेट की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मुझे के डैश पता होना चाहिए और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। अगर मेरे को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पता होगी तो के डैश की वैल्यू पता होने पे मैं रेट निकाल लूंगा। आप अगर इनकी वैल्यू कम करोगे तो कम रेट आएगा, ज्यादा करोगे ज्यादा रेट आएगा। बात समझ रहे हो ना? रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन देख, सिंपल सी बात है, कोई चीज है, मान ले वाटर है, वाटर की जो कंसेंट्रेशन होती है ना वो फिक्स होती है, कितनी? 55.55 मोलर। क्या कह रहा हूं? कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है? 55.55। तो अगर ये वैल्यू फिक्स है तो क्या आप इसे चेंज करने जिंदगी में कर सकते हो? अरे मैंने कहा इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे तो रेट चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूँ सिर्फ इसको चेंज कर दो। तो क्या ये चेंजेबल क्वांटिटी है? कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर जिंदगी में कभी चेंज नहीं। तो यहां ध्यान देना, एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर कैन नॉट बी चेंज्ड। अरे क्या कह रहा हूं मैं? कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर चेंज नहीं हो सकती, जिसकी वजह से अपने को यह पता लगा कि क्या फायदा तेरे को चेंज अलाउ करने का, तू तो चेंज हो ही नहीं पा रहा। अरे बोल लो भाई। तो कुल मिला के इस कांस्टेंट को, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? इज इक्वल टू 55.55 मोलर, एंड दिस वैल्यू इज फिक्स। मेरी बात दोबारा सुनना, क्या है ये? दिस वैल्यू इज फिक्स फॉर वाटर। अरे बोलो, वाटर के लिए वैल्यू फिक्स है। तो कुल मिला के अगर मैं रेट की बात करूं तो कुल मिला के ये वाली बात चेंज नहीं हो सकती ना।
तो मैं क्या कहूंगा भाई, जब तू चेंज हो ही नहीं सकता तो ये तो कांस्टेंट था ही और तू भी क्या निकला, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग कांस्टेंट लिख दूं। फिलहाल अभी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, वन प्लस वन क्या है टू, लेकिन तू चेंज हो ही नहीं सकता तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं के इज इक्वल टू सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री लिख देता हूं, ये पावर वन। वेयर वे अर के किसके बराबर है, के डैश इंटू में वॉटर की कॉन्सेंट्रेशन। अरे बोलो, तो अब अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो अब बता ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया बेटा, वन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी नहीं, क्या कह रहा हूं मैं कि ये वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं थी, क्योंकि भाई ये सेकंड ऑर्डर थे। लेकिन बात क्या हुई, क्या ये चेंज हो सकता है? अरे बोलो भाई, एक सिंपल सी बात है कि तुमने एक बच्चे को कहा कि हाँ भाई, या बच्चे का एग्जाम्पल नहीं लेते, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बस तुम यही समझो कि समझ रहे हो ना, बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे हाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अगर किसी इंसान को गाड़ी दोगे तो वो चुरा के लेके भाग नहीं जाएगा, हाँ भाई चलानी भी तो आनी चाहिए, नहीं भाग जाएगा भाई, अगर उसे गाड़ी नहीं चलानी आती तो वो नहीं लेके जा पाएगा। बहुत से तुम्हारे ही घर में ऐसे बहुत से लोग होंगे कि गाड़ी पड़ी हुई है लेकिन भाई चलानी नहीं आती, अब किसी को आती हो तो लेके चले, होते हैं घर में लोग ऐसे, फिर कोई एक आध दो ड्राइवर होते हैं घर में, वो उन्हीं की रेड पिटती रहती है कि चलो भैया यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, भाई तुम खुद ही चला के, इतना आसान थोड़े चलाना। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ये चेंज होगा तो रेट चेंज होगा, ये चेंज होगा तो रेट चेंज होगा, ये अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन पे बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बेचारा चेंज हो सकता है क्या, हमने चेंज के लिए अलाउ तो किया लेकिन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर किसी को गाड़ी नहीं आती, मैंने कहा ले लेके चला जा, कहेगा मैं कैसे ले जाऊं, अरे कैसे क्या ले जाऊं, जला और ले जा, नहीं ले जा पाएगा भाई। तो कुल मिला के इसको अलाउ किया था चेंज होने के लिए, लेकिन ये तो फिक्स है, दुनिया में कहीं चले जाओ ये वैल्यू फिक्स है। तो अब तू फिक्स है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मिलके अलग कांस्टेंट रहना क्यों काम का बड़ा कर रहा है कि दो ऑर्डर की रिएक्शन है क्या, दो ऑर्डर की रिएक्शन चेंज हो ही नहीं पा रहा, तो अलग कांस्टेंट के साथ रह, ले के लिख दिया के क्या हो गया के डैश इनटू वाटर, तो अब ओवरऑल ऑर्डर क्या रह गया, अरे मैंने इसको और इसको मिला के एक अलग कांस्टेंट लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि तेरी वैल्यू कभी जिंदगी में चेंज क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हो ही नहीं सकती, हाँ फिक्स है, तो इसलिए इनको मिला के एक अलग कांस्टेंट लिख दिया। तो हाँ कुछ और हो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है तो वहां पे ये टॉपिक नहीं लगेगा, तो वहां पे वो एज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ट्रीट होगी। ये सिर्फ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के लिए है। अरे बोलो क्या रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो ये वैल्यू है। तो कुल मिलाकर के ये जो रिएक्शन आई ये अब तुम्हारी हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर थी नहीं, क्या हो गई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अरे क्योंकि एक्चुअल में क्या थी, हाँ बन क्या गई। अब यहां सुनना, वो जो के डैश था वो के डैश एक्चुअल रेट कांस्टेंट था, के डैश क्या था, के डैश इज इक्वल टू एक्चुअल हाँ के डैश ना, के डैश एक्चुअल रेट कांस्टेंट है, क्या है एक्चुअल रेट कांस्टेंट, जबकि के क्या है, ये वाला के क्या है, ये एक्चुअल नहीं है, ये तो एक्चुअल में वाटर मल्टीप्लाई किया तब आया ना। अरे बोलो, तो इसे बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट या सूडो रेट कांस्टेंट या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अरे बोलो तो क्या बोलेंगे इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, इज दैट क्लियर गाइस, बोलो भाई, डन कर दो इसे फटाफट जल्दी से लिखो। तो बच्चों ये आपको टॉपिक जो है ना, अभी इसकी डेफिनेशन अगर पेपर में आती है तो क्या लिखते हैं, क्या कि डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफाइन करने को आता है तो क्या डिफाइन करेंगे, कि द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम ऑल्टर्ड बाय कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन अभी बताऊंगा, फिलहाल कंडीशन क्या है,
कंडीशन यही है कि तुम्हें मैंने चेंज होने के लिए अलाउ किया, जैसे वाटर को मैंने क्या किया, चेंज होने के लिए अलाउ किया, लेकिन ये तो चेंज होता ही नहीं। अरे बोलो ये तो वही वाली बात है, व्रती आदमी के सामने खाना रख के ले खा ले, ले मैं आज की पूछ पिज्जा खा बर्गर खा, अरे क्यों दिल जला रहे हो भाई साहब तुम, पिज्जा बर्गर दिखा करके उसे पाप पड़ेगा ऐसा करने से, वो कैसे खा पाएगा इंसान, समझ रहे हो बात को। तो वही वाली बात है कि आपने इसे कहा तो है चेंज हो जा, लेकिन वाटर की कंसेंट्रेशन जीवन में कभी चेंज होती है क्या, नहीं होती। तो भाई तू कॉन्स्टेंट ही तो है, तो जो चेंज हो रहा है इसकी कंसेंट्रेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, लगा दे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। तो वही कह रहा है द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम ऑल्टर्ड बाय कंडीशन, देयर आर मेनी रिएक्शन व्हिच ऑबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ ऑल्दो दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शंस। नहीं आई बात समझ, दिस इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज दैट क्लियर। डन कर दो इस वाले टॉपिक को, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं आगे, इसके आगे मूव करते हैं, जल्दी से लिख लो फटाफट। चलो भाई अब एक काम करते हैं कि मैं ये मान लेता हूं कि आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ो, नहीं आया तो एक बार दोबारा से समरी देखो। क्या है, मैंने आपको ये बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर के क्या बन जाता है, एस्टर। एस्टर में दोबारा से वाटर डालूंगा, अलग अलग हो जाएंगे, तो वही करना था हाइड्रोलिसिस, वाटर से किसी का ब्रेक करना होता है हाइड्रोलिसिस, तो एस्टर को मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब जो इसका रेट लॉ है वो ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा जाएगा, यहाँ पे जनरली पावर ऊपर x और पावर y आती है, लेकिन मुझे क्योंकि पहले से पता है कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है उसमें एस्टर की भी पावर 1 है और वाटर की भी पावर 1 है, तो दोनों को मिला करके ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 2 ऑर्डर हो गया। तो क्या मैं बोलूं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अरे भाई तू अपनी सुदबुद्ध से सोचना, अगर 1 और 1 ये आया है तो 2 ही तो हुआ ओवरऑल ऑर्डर। अब होता क्या है, रेट किस पे वेरी करेगा, इसकी कंसंट्रेशन और दोनों चेंज होंगी तो रेट होगा, कोई एक भी चेंज होगा तो रेट होगा, लेकिन क्या वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होती है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि वाटर की कंसंट्रेशन 55.55 कैसे आई, तो लीव दैट टॉपिक फॉर द टाइम बीइंग, एज वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, वो मुद्दा है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो मेरी बात सिंपल सी बात सुनो कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट चेंज होगा, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन फिक्स है। तो अगर तू फिक्स है तो तू चेंजिंग जोन में क्यों बैठा है, इसकी तरह कांस्टेंट ही हो गया ना तू, तो इसको मैंने के डैश लिया था, तो के डैश इनटू वाटर को एक अलग कांस्टेंट लिख दो, क्यों लिखा, क्यों काम का भड़क कर रहा है यहां बैठ करके। अरे बोलो, मान लो तुम पेट्रोल पंप पे गए हो, लाइन लगी है 12-13 की लाइन लगी हुई है, ऐसी तुमने रील्स भी देखी होंगी, आगे वाला बंदा अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता है तो पीछे से भैंस की पूछ सारे निकल जाते हैं, लो क्यों निकल गए सारे, क्योंकि ऐसे ही भड़क कर रहे थे बिना बात में, तुम्हें पेट्रोल पेट्रोल डलवाना था नहीं, आगे ने भी डोर डलवाया वो 4-5 रुपए का डलवाया, और भीड़ इतनी लगा करके रखी है, कस्टमर थोड़े आएगा। तो जब इसकी बात आई कि हाँ तुम चेंज होकर के रेट चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या ये चेंज हो सकता है, तो भैंस की पूछ क्यों भड़क कर रहा है बिना बात में, कॉन्स्टेंट के साथ रहेगा तबियत से कॉन्स्टेंट बना रहना, सिर्फ यहां पे वही खड़े रहो ना जो कंसंट्रेशन चेंज होने से तेरी रिएक्शन रेट चेंज होगी, तेरे को अलाउ तो कर रखा है लेकिन तू चेंज क्यों नहीं हो सकता। अरे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट की जिंदगी में कभी कंसंट्रेशन चेंज नहीं, यही बात समझ, तो मेरी बात सुन, के डैश इंटू वाटर को अलग लिख दिया के, तो बचा क्या, के इंटू में दिस, अब कौन सी ऑर्डर बची, अभी समझ आया पक्का। तो ये एक हायर ऑर्डर रिएक्शन थी जो फर्स्ट रह गई, कंडीशन क्या थी, ये कांस्टेंट है। ओ अब समझ आया मेरे को, बोलो बे। तो कुल मिलाके कुछ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समटाइम ऑल्टर हो गया, 3 सेकंड फर्स्ट क्यों गई, कांस्टेंट, कुछ कंडीशन ऐसी थी जिसकी वजह से। अरे बोल लो भाई, सुना ध्यान देना, तो देयर आर मेनी हायर ऑर्डर रिएक्शन, there are many reactions which are first order, although they are higher order, such reaction are called pseudo, अब भी नहीं आया समझ, पक्का इसे लिख लो। अभी हम next topic पे चल रहे हैं, temperature dependence of rate of a reaction, अभी मैं सिर्फ concentration change करने से rate change कर रहा था ना, अरे बोल लो, अब मैं temperature के change होने से change करूंगा जल्दी। चलो बच्चों अभी अपना नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑफ, मेरी बात छोटी सी है
लेकिन सुनना ध्यान से। सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास ना दो टाइप की रिएक्शन होती है, जैसे टेम्परेचर अगर मैं कम ज्यादा करूँ ना तो रेट ऑफ रिएक्शन तब भी चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करोगे तो ही चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। पहले टेम्परेचर के बेसिस पे बात करते हैं, मान लो ये रिएक्टेंट है, कौन है ये, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, अरे बोलो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा। अगर रिएक्टेंट के पास कुछ हीट एनर्जी है, अगर रिएक्टेंट गेन करता है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट के पास ज्यादा होगी या कम होगी, और अगर रिएक्टेंट रिलीज करता है तो प्रोडक्ट पे क्या होगी, तो अगर रिएक्टेंट रिलीज कर रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर रिएक्टेंट गेन कर रहा है मतलब, हाँ तो याद ध्यान देना, रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप, रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, ओके। पहला एंडोथर्मिक, सेकेंड एक्सो, मानते हो कि नहीं मानते कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, कि रिएक्टेंट ने गेन करी है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, और एक्सो के लिए क्या होता है डेल्टा एच नेगेटिव। ये बात समझ रहे हो, हमारी छोटी सी बात समझना। ये मान लो ये क्या है, ये आपकी एक रिएक्शन, यहां पर आता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्या आता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये क्या आता है, ये आता है एनर्जी, क्या आता है। आप मेरे को छोटी सी एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो बोलो ये मैं डायरेक्टली यहां क्यों नहीं गया, मैं ऊपर जाके फिर क्यों नीचे आया हूं, तो मैं डायरेक्टली यूं भी तो बना सकता था ग्राफ ऐसा, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो मैं डायरेक्टली ऐसे ग्राफ भी तो बना सकता हूं, ये मैं ऊपर जाके क्यों आया हूं, रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर एक होता है इंटरमीडिएट, क्या होता है इंटरमीडिएट। तुम्हें आज तक यही लगता रहा कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन ऐसा रिएक्टेंट पहले किसमें कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट्स में। नहीं आई बात समझ, तो कुल मिला के चाहे रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ भी हो, प्रोडक्ट की कुछ भी हो, इंटरमीडिएट की सबसे, अरे बोल लो भाई, तुम एक बात बताओ, अगर तुम एक छोटी मोटी ग्रोसरी की कॉलोनी में शॉप खोल रहे हो और एक तुम मारुति गाड़ी का शोरूम खोल रहे हो, तो फायदा कहां ज्यादा है, है बोलो, तो जाके खोल लो फिर, हाँ वहां पे लगाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं होता कि भाई लेट कर लेते हैं, मैंने एक मारुति का शोरूम खोला लेट कर लेते हैं, मैंने पैसे लगा दिए लेट कर लेते हैं, रेवेन्यू आना चालू हो गया, तो जो उसमें से मेरा प्रॉफिट है बस वो दे दे, बाकी पैसे तो अपने आप रखा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो वहां लगाने के लिए इनिशियल जो मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट तो लगाने के बाद आएगा ना। तो हमेशा होता यह है कि रिएक्टेंट पहले कुछ एनर्जी गेन करके इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, अब अगर उसने जितनी गेन करी थी उससे कम लूज करी तो अल्टीमेटली गेन हुआ या लॉस हुआ, अल्टीमेटली गेन। अरे यार गेन ज्यादा करी लूज कम करी तो अल्टीमेटली गेन नहीं हो गया, भौंक दे। और अगर ऐसा हो कि रिएक्टेंट की ये एनर्जी थी और प्रोडक्ट की ये हो गई, और ये आपकी किसकी एनर्जी हो गई, इंटरमीडिएट की, अगेन वही, ये आपका आरसी है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये क्या है आपका एनर्जी। तो कुल मिला के यहां पे दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है, इसको बोलेंगे डेल्टा एच, और डेल्टा एच आता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, अरे प्रोडक्ट की ज्यादा है ना, अरे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की कम है, तो पॉजिटिव ही तो आएगा, तो यहां पे डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, वेयर एज इस केस में क्या हुआ गेन कम लॉस ज्यादा, तो ये दिस मच अमाउंट क्या हो गया, अरे बोल लो
तो दिस मच अमाउंट ये क्या हो गया डेल्टा एच नेगेटिव। नहीं आई बात समझ? मतलब ये वाली रिएक्शन किसके लिए है? एंडो के लिए। मेरी बात दोबारा सुनना। और ये वाली किसके लिए है? मैं कहता हूं कुछ नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी। अब तू बता ये वैल्यू ऊपर बढ़ रही है घट रही है? तो रिएक्टेंट की जितनी है प्रोडक्ट की ज्यादा है ना, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा, बोलो जी। और डेल्टा एच वही होता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहां क्या है, रिएक्टेंट की ज्यादा थी प्रोडक्ट की, तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो ये एक्सोथर्मिक का कर्व हुआ, और ये दोनों के केस में चाहे आप गेन करो चाहे आप लॉस करो, डायरेक्ट कहीं नहीं जाना, इंटरमीडिएट तो वो गेन तो करना ही पड़ेगा, चाहे अल्टीमेटली आपको लॉस करनी है चाहे अल्टीमेटली। इसको फटाफट बनाओ जल्दी से। तो बच्चों यहां ध्यान देना, मेरी बात सुनना, मेरी बात तसल्ली से सुनना, मेरी बात प्लीज सुन लो। जैसे ये रिएक्टेंट है और ये क्या है इंटरमीडिएट, क्या है ये रिएक्टेंट और ये क्या है, तो मेरी बात सुनो, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है भाई। ये ऊपर गया, ये वाली जो एनर्जी है, जो ये वाली एनर्जी है, इसको बोलते हैं ईए। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अरे बोल, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को उसके बराबर करनी पड़ेगी, सो दैट की रिएक्शन की इंटरमीडिएट बनाना है। पता है रिएक्टेंट जो होते हैं ना, वो कभी दुनिया में इंटरमीडिएट नहीं बना पाएंगे अगर उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। तो एक बात बताओ, रिएक्टेंट की जो भी एनर्जी है उसे गेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो फिलहाल अगर मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करना पड़ेगा। तो कितना गेन किया वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। मेरी बात दोबारा सुन ले पोपलू भाई, मेरी बात दोबारा सुन ले, मैं क्या कह रहा हूं सुनो। रिएक्टेंट की ये एनर्जी थी और इंटरमीडिएट की ये थी, कितना रिएक्टेंट गेन किया, वो गैप नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वैल्यू कितनी है? अरे जीरो से काउंट होती है ना वैल्यू। अरे यार मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कह देता हूं, यहां से एनर्जी को ई लिख दूं फिलहाल, बोलो। मान लो ये एनर्जी 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, और ये वाली एनर्जी फिलहाल क्या है? तो ये 100, ये वाली 300, और ये वाली कितनी है? 600। तो ये 300 थी, 600 पहुंचनी है, तो 300 गैप, गैप नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी। जहां तक आई है 600 है एक्टिवेशन। रिएक्टेंट कहां है? आई डोंट केयर अबाउट, यही बात समझ काका। रिएक्टेंट की अगर 200 होती ना एक्टिवेशन एनर्जी, तो भी 600 कहलाती। रिएक्टेंट की 100 होती एक्टिवेशन एनर्जी, तो भी 600 कहलाती। रिएक्टेंट की एनर्जी पहले से ही 700 होती एक्टिवेशन एनर्जी, तो भी 600 ही कहलाती। अरे बोल लो भाई क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट बनाने के लिए इतनी ही एनर्जी चाहिए, कितना गैप है वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। समझे या नहीं समझे? समझे? अरे बोलो। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करा जाएगा? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू, हाँ अरे बोलो भाई, रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट का क्या मतलब है? अरे रिएक्टेंट मरा थोड़े हुआ है कि तुम ये गैप कह रहे हो कि सिर्फ ये रिक्वायर्ड है 300 का। अरे रिएक्टेंट पे पहले से 300 थी ना, तो 300 है उसमें इनिशियली, और 300 चाहिए, टोटल 600 एक्टिवेशन एनर्जी है। नहीं आई बात समझ? तो यहां पर मैं आपको एक अगला टर्म बता रहा हूं, क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, मान लो आपके पास अभी कुछ 80-90 लाख रुपए, 25 करोड़ रुपए पड़े हैं मान लो, करोड़ 25 करोड़। यार बातें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, काम धंधा बड़ा हो चाहे ना हो कोई अलग बात है, है? चलो हाँ छोटा तो भीम भी है भाई। तो यहां मेरी बात सुनना कि एक्टिवेशन, देखो सिंपल सी बात है, मान लो 25 करोड़ रुपए आज तुम्हारे पास है, तो क्या सेटअप करने में ज्यादा पैसा लगेगा, मारुति का शोरूम लेने में या फिर एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर बनाने में? मारुति। तो चाहे तुम्हारे पे 25 करोड़, मान लो अगर मारुति का शोरूम खोलने के लिए टोटल 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नीडेड है, तो यूं तो नहीं है कि अच्छा मेरे तेरे पास 25 करोड़ है, नहीं 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 नहीं, फिर शोरूम खुलेगा 500 करोड़ में, और यूं हो कि तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, चल 100 रुपये में खोल ले। अरे भाई शोरूम खोलने का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो फिक्स है ना, चाहे तुम्हारे पे कुछ है चाहे। तो अगर मैं ये लेट कर लूं कि रिएक्टेंट जीरो है, तो जीरो के बाद 600 चाहिए,
अगर रिएक्टेंट पे 300 है तो 300 है, ऊपर आते आते वो 300 तो यूज होंगे ही, 300 और ले ले तो एक्टिवेशन एनर्जी वो टोटल वो कभी चेंज नहीं होती। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बोलूंगा मैं इसे यही द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय, क्या बोलूंगा, द एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इंटू इंटरमीडिएट बेटा इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। मेरी छोटी सी बात बस सुनना, मेरी बहुत छोटी सी बात सुनना। पता है जब रिएक्टेंट्स होते हैं ना तो सारे रिएक्टेंट्स की सेम एनर्जी, यार मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो एक मारुति के शोरूम का 12 खोल दें, होंगे उनपे 1,500 करोड़ रुपए कुछ रखे होंगे, तो हर किसी की औकात तो नहीं है ना। तो ऐसा थोड़े, अच्छा तुम्हारे पे कितने 500 करोड़ पड़े हैं, यार ये तो 50 करोड़ में खुलता है, नहीं नहीं 5,000 करोड़ में खुलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। जो फिक्स वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो फिक्स रहेगी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी चाहे 300 है, चाहे 200 है, चाहे 400 है, चाहे 500 है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मैं बस ये कह रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट चेंज। चेंज होती है लेकिन कुछ और फैक्टर है जिसपे वो डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर। अब यहां पर एक बात बता रहा हूं आपको, बट एनर्जी ऑफ, मैंने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट चेंज, ठीक है, बट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस रिएक्शन, इसको ना मैं पूरा लिख लेता हूं, क्या एक्टिवेशन एनर्जी को मैं ईए लिख दूं फिलहाल, अरे बोलो, तो यहां पर लिखो क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट चेंज बाय चेंज इन इन टेम्परेचर। मेरी बात सुनो भाई, टेम्परेचर के चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज, बट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स चेंजेस बाय चेंज इन या ऑन चेंजिंग, बोलो भाई, ऑन चेंजिंग। मेरी सिंपल सी बात इतनी है कि टेम्परेचर चेंज करने पर सिर्फ रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज हो सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं। कैसे, यहां ध्यान दो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे रिएक्टेंट की एनर्जी, अरे बोलो, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी विल नॉट, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, वो किसी और फैक्टर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे नहीं करती है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है इसे लिख लो फटाफट। चलो ठीक है बच्चों, आप ये बताओ आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बस अब हम बाकी करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।